ये देखो यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही, ये मम्मी के हाथों में। देखो राखी दी, देखो मेहंदी लगा रही, देखो मेहंदी लगा रही और सो रही है इधर। सोते सोते कहाँ की तैयारी चल रही है, कहाँ जाओगे हैं? मेहंदी क्यों लगा रही हूँ? लिया ही है। अरे जाएंगे जाएंगे शादी में। एक तकान ना पता कपड़े में लगेंगे। कहाँ शादी? हमारे मोहल्ले में आज शादी ना, एक लोग की बारात जानी, तो वही की तैयारी बना रही हूँ। हमारे एरिया में ये देखो फाइटर जेट, बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हैं। एक दो हफ्ते से बहुत उड़ा है हमारे, पायलट सीख रहे हैं नए वाले। कानपुर में एरोप्लेन, ये फाइटर जेट देखो, फिर आया एक एक हफ्ते से, पिछले एक हफ्ते से यहाँ बहुत फाइटर जेट उड़ रहे हैं। मिग विमान बोलते हैं जिनको, फाइटर जेट, ये सब सीख रहे हैं तो यहीं पर इतना आवाज करते हैं क्या बताएं। विमान लड़े जाएंगे, लड़ाकू विमान। देखो इनकी चल रही मेहंदी, तैयारी, आज बारात जाओगी। उधर जहाज शोर मचा, इधर ये सोने नहीं देती खोपड़ी। राखी दीदी लगा रही अपने हाथों से, देखो मोबाइल से देख देख के, देखो मोबाइल से देख देख के, देखो बना रही। जिसको मेहंदी लगवानी है हमारी राखी दीदी संपर्क करे, इसको बनवानी है हमारी राखी दीदी संपर्क करे, कितनी बढ़िया मेहंदी बना जाए। 3000 रुपए आई थी। कहाँ पर? बगल में जहाँ शादी थी वहाँ मेहंदी लगाने वाली आई थी ना, तो भाई 3000 अरे तो जो जिस हिसाब से बुलाए मम्मी जाएंगी कि हम जाएंगे, देखो क्या होता है। आपको बताया शादी थी जिनके तिलक में गए थे, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो आज उनकी बारात जानी है, तो अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा मम्मी जाएंगे कि हम जाएंगे, क्योंकि मम्मी कह रही है कि अगर घर से जैसे मोहल्ले से अगर कुछ ले लीजिए जाएंगे तो मम्मी चली जाएंगी, और अगर जैसे मम्मी नहीं जाएंगी तो हम जाएंगे, तो दोनों में से एक लोग जाएंगे, तो जैसा होता है आप लोग को बताते हैं। बाकी किचन में देखो राखी दीदी हमारी काम कर रही हैं। ये क्या बनने जा रहा है आज, क्या बनेगा? देखो कढ़ाई लड़ाई चढ़ी है, क्या पूड़ी बनाने जा रही हो क्या? ये मम्मी ने कह दिया इनसे कि आटा आटा मार के रखो, मम्मी बाहर बैठी ना, अपना पता ही है फंक्शन है, तो अपना थोड़ा उधर बिजी है, तो किचन काम हमारी राखी दीदी संभाल रही सब काम, जब तक ये करेंगी अपना खाना वाना बना रही हैं। बाकी आपको जैसे वेडिंग में मतलब वहाँ जिस तरह से होगा, जो भी जाएगा आपको सारा अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? वहाँ जो भी जाएगा, जैसी वहाँ की वीडियो होंगी आपको सारी चीज़ हम जो है वीडियो के थ्रू प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग देख लीजिए। सो फाइनली यहाँ पर हम लोग, देखिए आप लोग देख रहे हैं, हम लोग बारात में आ चुके हैं, क्योंकि घर से बारात निकलते निकलते वही 8 बज गया था, तो हम लोग 7 ही बजे रेडी हो गए थे, लेकिन निकलते निकलते हम लोग को 8 बज गया था। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जहाँ पर बारात का रुकने का समय है वहाँ पर हम लोग आके रुक चुके थे, घर से मतलब कि 3-4 किलोमीटर दूर बारात गई थी, ज़्यादा नहीं गई थी, पास में ही थी। तो यहाँ पर देखिए जो आप लोग को ये कोई स्कूल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर जो है बारातियों के लिए नाश्ता वास्ता की व्यवस्था कर रखी थी। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग के साथ वाले थे, जितने बाराती थे, सब यहाँ पर रुके हुए हैं, और यहाँ पर सब लोग देखिए अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं, जो भी उनको खाना पीना हो सब अगल बगल, देखिए पहले नाश्ता होता है, नाश्ता होने के बाद इसको इन लोग की भाषा में जनवासा भी कहते हैं, मतलब बहुत से लोग इसको जनवासा भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग चारों तरफ देख रहे होंगे, ढोल नगाड़ा भी बज रहा है यहाँ पर। ये देखिए सबसे पहले आप लोग दूल्हे को देख लीजिए, दूल्हे की एक झलक देख लीजिए, ये हमारे दूल्हे हैं जो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। और यहाँ से हम लोग जो है अपना फिर अब बारात जहाँ जाती है, मतलब जहाँ गेस्ट हाउस बुक था वहाँ पर हम लोग नाचने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, और हम लोग देखिए डीजे में अब नाचने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इनके जो फैमिली के लोग हैं, धीरे धीरे उन्होंने नाचना स्टार्ट कर दिया, अब हम लोग यहाँ पर जो है डीजे में कुछ उछल कूद करेंगे, वो भी आप लोग देख लीजिए।
और यहाँ पर दोस्तों ये डांस करते करते मेरे हाथ से मेरा फ़ोन भी गिर गया था जो कि मैंने अभी नया ख़रीदा था। और ये देखिए मैंने हाथ पर फ़ोन पकड़ा और ये देखिए यहाँ पर मेरा फ़ोन किस तरह से ज़मीन पर गिर चुका था। और यहाँ पर देखिए बीच रोड में गिरा था, ये तो भगवान का शुक्र है कि फ़ोन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन फ़ोन मेरा बच गया, फ़ोन सही सलामत है। बाकी हम लोगों ने फिर से अपना जो है डांस कंटिन्यू स्टार्ट किया। दोस्तों फाइनली घर आ चुके हैं। बाकी आप लोगों ने देखा ही होगा हम गए थे, मतलब मम्मी का बाद में नहीं डिसाइड हुआ क्योंकि फिर मोहल्ले से पता चला कि लेडीज जा ही नहीं रही, तो फिर हम तैयार हो गए, फिर हम गए। तो जाते समय का तो वीडियो नहीं, लेकिन वहाँ का हमने थोड़ा बहुत वीडियो शूट किया है तो वो आप लोग देख ही चुके होंगे। अब वहाँ पर जाहिर सी बात है डीजे जब बजता रहता है, तरह तरह के गाने बजते, इतना शोर शराबा होता है, और दूसरी बात है कॉपीराइट आने का डर रहता है। फिर भी मैंने जितनी कोशिश करी, जितना हो सका, मैंने आपको जो है वहाँ का थोड़ा बहुत क्लिप दिखाया होगा डांस वांस का, ठीक है, दूल्हा दुल्हन के भी मैंने आपको क्लिप दिखाई है। मैंने जितना हो सके आप लोग को सारी चीज़ें दिखा दी और आप लोग को भी अच्छा लगा हो, मज़ा आया होगा, आप लोगों ने भी वेडिंग एंजॉय किया होगा कि शादियों में कैसे क्या फंक्शन होता है, किस तरह से लोग डांस करते हैं, किस तरह सारी चीज़ें होती है, आपने देखा ही होगा। तो बस यही था, बाकी अब घर आ चुके, आते आते लगभग एक बज गया, 12:30 एक बज गया। अब चाहते तो रुकते रात भर, लेकिन कोई रुकने का मतलब नहीं था, अब उनके खास खास रुके थे, बाकी हम लोग तो वापस आ गए। चलिए आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।